नमस्कार दोस्तों, जनरल एसटी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे दोस्तों बिहार स्टेट रीजनिंग यानी बिहार स्टेट का एग्जाम जो हो रहा है उसी का देखेंगे दोस्तों, रीजनिंग देखेंगे और रीजनिंग का वीवीआई क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछा जा रहा है यानी बार बार जो क्वेश्चन को लिया जा रहा है जिस टाइप का क्वेश्चन उसी सब क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों और फुल कंसेप्ट के साथ देखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम गवाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दी गई श्रृंखला में पश्च चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा यानी ए एन कोमा बी ओ कोमा सी पी कोमा डी क्यू कोमा ई आर कोमा एफ एस कोमा पश्चवाचक चिन्ह है, बोल रहा है इसके स्थान पर क्या आएगा कोमा एच यू। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए दोस्तों यानी ये है, ये दे दिया गया है क्वेश्चन, बोल रहा है इस भाग के स्थान पर क्या क्या आएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, दे देगा एच डब्ल्यू एच टी वाई जेड बराबर टी वाई एच टी आर जेड यानी एक एग्जांपल के तौर पे लिया हम और पूछ देगा जेड टी वाई आर एस टी बराबर वाई यानी इस टाइप का भी क्वेश्चन दे देगा। तो हम जो जिस रूल पे इसको बनाएंगे उसी रूल पर इसको भी बना सकते हैं, यानी क्या कर सकते हैं इस रूल पर इसको बनाएंगे तो उसी रूल पर इसको भी बना सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपको पूछ दिया जाएगा बिहार स्टेट के एग्जाम में या किसी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, वैसे बिहार स्टेट में देख रहे बार बार पूछा गया है इसीलिए हम इसका फुल कंसेप्ट के साथ आप लोग को बता रहे हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन यदि पूछ दिया गया दोस्तों तो आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन 100% जरूर से जरूर आप लोग बना के आइएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं एक ट्रिक की सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ट्रिक की सहायता से देखते हैं। तो जैसे यहां ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक कुछ नहीं है, जैसे आप लोग मोबाइल नंबर याद करते हैं या कुछ याद करते हैं, क्या करते हैं मोबाइल नंबर याद करते हैं या कुछ याद करते हैं तो उसके लिए नंबर हमें याद रखना पड़ता है, 10 अंक का होता है, क्या होता है 10 अंक का होता है। तो इसके लिए एक ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों, सी एफ आई एल ओ आर यू एक्स यानी ये ट्रिक याद हुआ यानी इस टाइप का क्वेश्चन का झमेला खत्म, यानी किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ दे इस टाइप में क्या होगा दोस्तों, जल्द से जल्द बहुत ही कम समय में हम लोग क्या कर पाएंगे तुरंत से तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। यानी इस ट्रिक को याद कीजिए और इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन से छुटकारा पाइए, यानी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया कितनो भी बड़ा क्यों ना हो कितनो भी बराबर दे दे तो बोलेगा इतना बराबर इतना तो इतना बराबर के बाद तो उसका आंसर हम क्या करेंगे 3 से 4 या 5 से 6 सेकेंड में जरूर से जरूर निकाल के रख देंगे दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से। इसीलिए इस ट्रिक को आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिए, ये मुझे वर्ड है, वर्ड को जैसे याद करते हैं, जैसे कोई वर्ड होता है तो उसको याद कर लेते हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ले लीजिए, ब्यूटीफुल क्या है वर्ड है उसको याद कर लिए हैं। इसी प्रकार सीख लो आर यू एक्स को क्या कीजिए दोस्तों याद कर लीजिए, सी एफ आई एल ओ आर यू एक्स। इससे हमें यह होगा दोस्तों ए से लेकर जेड तक का सीटिंग अरेंजमेंट यानी सीट कौन किस स्थान पर बैठा है वो पता हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों वो पता हो जाएगा, यानी और कुछ नहीं करना है इसमें, 3 का गुणज लेके चलते हैं, क्या करते हैं 3 का यानी तिनका को पढ़ देंगे, 3 का 3 3 6 3 9 12 15 18 21 24 यानी तिनका को कितना हुआ, तिनका को 8 तक पढ़ना है, कहां तक पढ़ना है 8 तक, यदि हम 9 तक पढ़ते हैं तो 27 आ जाता है और जेड क्या होता है 26 यानी लास्ट अंक 26 है, यहाँ 27 आ जाएगा, इसीलिए कहां तक पढ़ेंगे 8 ही तक पढ़ेंगे। इससे पढ़ने से क्या फायदा होगा दोस्तों, फायदा यही होगा कि आप जो है इन सभी जैसे एबीसीडी का स्थान पता करना होता है, स्थान क्या होगा इससे जल्द से जल्द हमें पता हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, यहाँ सी का स्थान 3 हो जाएगा, एफ का स्थान 6 हो जाएगा, आई का स्थान 9 हो जाएगा, एल का स्थान 12 हो जाएगा, ओ का स्थान 15, आर का स्थान 18, यू का स्थान 21, एक्स का स्थान 24, तो 24 तक लिए, जेड लास्ट में 26 होता है, ए का क्या होता है ए का 1 होता है, ए होता है फर्स्ट,
ए से लेकर जेड तक कितने लेटर, 26 लेटर होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये ट्रिक क्या हो जाएगा, बहुत ही कंपलसरी है। आप लोग इस ट्रिक से क्या कर पाएंगे, 2 से 3 सेकेंड में मात्र इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो पक्का 100% बोलते हैं दोस्तों कि आप लोग पक्का सॉल्व कर लीजिएगा। कम समय में, बहुत ही कम समय में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा पक्का। चलिए दोस्तों देख लेते हैं और समझ लेते हैं इस ट्रिक का यूज कैसे करेंगे। तो जैसे कोई भी रीजनिंग दिया है, जैसे यही रीजनिंग दिया गया है, लेते हैं इसको कि समझते हैं इस ट्रिक पर क्या है। an है, कॉमा bo है, कॉमा cp है, कॉमा dq है, कॉमा er है, कॉमा fs है, क्या है fs, कॉमा what, कॉमा hv, यही है दोस्तों। ये क्या है, क्वेश्चन है मेरा रीजनिंग का, बोल रहा है what के स्थान पर क्या आएगा, क्या कह रहा है बात के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले इस टाइप का कोई भी रीजनिंग दे दे, हमें सबसे पहले उसका सीटिंग सेटिंग यानी सीट देखना है, कौन सा स्थान पर कौन बैठा हुआ है, उसको सीट को पहले खोल लेना है कि किसका नंबर कौन सा होता है और किसका नंबर कौन सा होता है, उसको पहले बैठा देंगे उस अनुसार। चलिए दोस्तों देखते हैं, ए है, ए का क्या होता है, ए का एक होता है, एन का, एन इसमें नहीं है दोस्तों, सीख लो आरबीएस ट्रिक में, एन का कैसे पता होगा, एबीसीडी गिनते रह जाइएगा उन्हीं पर, सब जाके समय लगेगा, तब एक से क्या कर पाइएगा, एन का वैल्यू निकाल पाइएगा। इसीलिए क्या करिए दोस्तों, एन इसमें देखिए किसके आगे या किसके पीछे एन आ रहा है दोस्तों। तो देखिए एल एम एन ओ, एन देखिए ओ से क्या पहले आ रहा है, एम एन ओ, एन जो है ओ से क्या आ रहा है, पहले आ रहा है, ओ का 15 तो एन का क्या हो जाएगा दोस्तों, एन का 14 हो जाएगा, एन का क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ ए का एक, एन का 14, इसी प्रकार बी का क्या होता है, 2 होता है, ओ का क्या हो जाएगा, ओ का देखिए सिक्लो आरबीएस में क्या होता है, 15 होता है, 15, सी का 3 होता है दोस्तों, पी का क्या हो जाएगा बताइए, तो पी का होता है, पी का दोस्तों सिक्लो आरबीएस ट्रिक में नहीं है, तो पी का निकालने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे पी किसके आगे या किसके पीछे आता है। तो पी देखिए एल एम एन ओ पी, ओ के बाद पी आता है, ओ के बाद क्या आता है दोस्तों, पी आता है, ओ का 15 तो पी का क्या हो जाएगा, 16। यानी इसी ट्रिक के माध्यम से क्या कर रहे हैं, सारा जितना भी वर्ड है उसका हम अल्फाबेटिक नंबर है जितना, उस सभी का क्या कर रहे हैं, यानी सीट यानी पोजीशन कौन कौन सा स्थान पर बैठा हुआ है वो क्या कर रहे हैं, किसके ज्यादा दोस्तों, इस ट्रिक के माध्यम से तुरंत हमें पता चल जाता है। तो क्या हो जाएगा पी का, 16 हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन के लिए हम इस तरह से पहले क्या करेंगे, सभी का सीट बैठा देंगे कि कौन कौन सा स्थान पर बैठा हुआ है वो पहले लिख देंगे। लिखने के बाद करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में एक कंडीशन होता है, क्या होता है कंडीशन, कंडीशन ये होता है, ये जो बढ़ा हुआ रहता है यानी ए एन को क्या लिखा है, कॉमा देखे बीओ लिखा है, बीओ को सीपी लिखा है, सीपी को डीक्यू लिखा है, डीक्यू को ईआर लिखा है, ईआर को एफएस लिखा है, एफएस को एचक्यू, एफएस के बाद व्हाट लिखा है यानी व्हाट के स्थान पर क्या आएगा, उसके बाद एचक्यू लिखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को पहले सीटिंग बैठा देंगे, क्या करेंगे सीटिंग बैठा देंगे, तो बी का हो गया 4, क्यू का 17 हो गया दोस्तों, इसी ट्रिक से आप लोग निकाल लीजिए, हमें निकाल तुरंत मालूम हो जाएगा। आप लोग को यदि ये ट्रिक याद रहता है तो आप मन से भी डायरेक्ट फाइंड कर पाएंगे कि किसका क्या होता है। तो ये ट्रिक जरूर से जरूर आप लोग याद कर लीजिए, ई का होगा 5, आर का 18, एफ का होता है 6, एस का होता है 19। चलिए अब दोस्तों देखते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन में कोमा देके आगे जो बढ़ते जाता है ये एक रिलेशन के तहत बढ़ता है, इसके तहत बढ़ता है रिलेशन के तहत, यदि कोई वर्ड दे दिया और दूसरा वर्ड लिख दिया यहाँ पे, तो ये वर्ड जो लिखा रहता है इस रिलेशन, इस वर्ड से इस वर्ड का कुछ ना कुछ रिलेशन रहता है, या तो प्लस रहता है या नहीं तो गुणा रहता है, बोलता है अगला वर्ड लिखा रहेगा और बराबर वर्ड लिखा रहेगा, तो जिस रिलेशन से हम इसको लिखते हैं उसी से अगला वर्ड वर्ड जो पूछा उसी रिलेशन से हम इसको भी लिख देंगे, वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को समझ पाते हैं,
यहाँ देखिए हम रिलेशन ढूंढते हैं पहले। यहाँ देखिए एक को लिखा है क्या, दो लिखा है, फिर 14 को क्या लिखा है, 15 लिखा है। एक को दो लिखा कितना अधिक, एक अधिक, फिर 14 को 15 लिखा कितना अधिक, एक अधिक। फिर चलिए अब इसमें दो को यहाँ तीन लिखा है कितना अधिक, एक अधिक। 15 को क्या लिखा, 16 लिखा कितना अधिक, एक अधिक। फिर इसमें चलिए तीन को क्या लिखा है, चार लिखा है, एक अधिक। फिर 16 को क्या लिखा है दोस्तों, 17 लिखा है, फिर एक अधिक। यानी एक एक क्या है सभी जगह देखिए, एक एक क्या है प्लस है, एक एक क्या किया है बढ़ाया गया है। उसी प्रकार हम एफ एस को ले लेंगे यानी लास्ट वाले टर्म को, इसी के बाद में वाट है बोलना, इसके बाद क्या आएगा यहाँ वाट के स्थान को, किसको लेंगे एफ एस को, यानी एफ एस बराबर एफ का क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ का देखिए सीख लो आर एफ से 6, एस का क्या होता है, एस किसके बाद आता है आर एस, यानी आर के बाद एस आता है, तो आर का 18 है तो एस का क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। चलिए दोस्तों तो अब क्या करेंगे हम, सब में क्या किया था एक जोड़ा था, एक जोड़ दिए, 19 में भी एक जोड़ देंगे, तो यहाँ 6 था तो यहाँ 7 हो जाएगा, 19 में एक जोड़ेंगे ये 20 हो जाएगा। यानी 7 किसका पोजीशन होता है दोस्तों, सीख लो आरयू एफ से, खोज लीजिए आप 7 किसका होगा, एफ के 6 के बाद 7, 6 होता है एफ का, 7 किसका होगा जी का, एफ के बाद जी आता है जी। 20 किसका होता है, 20 देखिए 21 से पहले 20 आता है, 21 होता है यू का, यू से पहले कौन सा वर्ड दोस्तों, यू से पहले टी, यू से पहले टी, टी यू होता है, टी फोर 20 20, 20 का क्या होता है टी होता है, तो यानी टी फोर 20 20 यानी 20, 20 हो गया टी का 20, तो इसका क्या हो गया एफ एस को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, जी टी लिख सकते हैं, यानी एफ एस से रिलेशन क्या उत्पन्न हुआ, जी टी हुआ। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर मेरा ऑप्शन नंबर डी, डी में देखिए जी टी था, यही क्या हो गया राइट आंसर हो गया। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट कौन सा VVI क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने का पूरा पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। दोस्तों इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए, या आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं किसी प्रकार की, यानी रेलवे SSC किसी भी तरह का गवर्नमेंट जॉब, तो आप हमारे चैनल जनरल स्टडी ग्रुप को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इसके माध्यम से आपको लेटेस्ट वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी और किसी भी आप जनरल कंपटीशन के किसी भी चीज की तैयारी करते हैं तो उसका प्रैक्टिस सेट इस चैनल के माध्यम से आपको जल्द से जल्द दिया जाएगा। जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है जनरल कंपनी गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब का, तो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा इस चैनल के माध्यम से दोस्तों। आप लोग जरूर से जरूर, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो कैसा लगा आपको। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखे कि सभी प्रैक्टिस सेट में, इससे पहले जो है प्रैक्टिस सेट में दोस्तों सॉरी, इससे पहले पूछा गया है आपका जो एग्जाम हुआ इससे पहले उसमें पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन, जेंडर जो है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, रीमिंग का इससे है ब्लड रिलेशन से, और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जरूर पूछा गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को समझिए, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी कंसेप्ट के साथ समझिए दोस्तों। क्या है, एफ का पिता जी की माँ, यानी एफ का जो पिता है, एफ का पिता मान लीजिए है, क्या है पिता है, अब कह रहा है जी की माँ के पति के दामाद हैं, जी का माँ, जी का माँ के पति, माँ का जो पति है उसका दामाद कौन है, एफ का पिता, यानी ये क्या है दामाद है इसका, एफ के पिता का। तो बोल रहा है एफ से जी के पिता एफ से किस प्रकार संबंधित हैं, यानी जी का जो पिता है वो एफ से किस प्रकार संबंधित हैं, तो जी का पिता ये हो गया दोस्तों, क्या कौन हो गया, ये हो गया, ये पिता हो गया,
क्या हो गया, पिता हो गया। ये जब ये पिता हुआ, ये दामाद है इसका, ये कौन हो जाएगा, इसका ससुर हो जाएगा। कौन होगा दोस्तों, ससुर हो जाएगा। इसका कौन हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। कौन, ये पिता, इसका जी का पिता कौन हो जाएगा, इसको ससुर हो जाएगा। और ससुर जो हो गया इसको, तो एफ को जी कौन लगेगा, नाना लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों, नाना लगेगा, नाना लगेगा। या इसको ब्लड रिलेशन में हम क्वेश्चन में दादा भी लिखा जाता है, तो या ऑप्शन में नाना रहेगा या दादा रहेगा। ऑप्शन में जो रहेगा दोस्तों वही क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों इसी तरह का यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, और आगे भी पूछा जाएगा। जिस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा रहा है एग्जाम में, उसी टाइप का क्वेश्चन लेके हम आपको बता रहे हैं। चलिए दोस्तों एक बार और इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। बोला एफ का पिता जी की माँ के पति के दामाद हैं। एफ का जो पिता है, एफ का पिता ये है मान के चलिए, ये किसका पिता है, एफ का। अब जी की बात कर लेते हैं दोस्तों, जी के माँ के पति, जी का माँ ये हो गया, माँ का पति ये हो गया, यानी ये पति हो गया किसका, जी के माँ का पति। यानी इसको कौन लेगा, ये दोस्तों इसको पिता लेगा, यानी ये दोनों पति पत्नी है, पति पत्नी है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये इसका माँ हो जाएगा, ये इसका पिता हो जाएगा। यहाँ तक कोई क्लियर, कोई यहाँ तक कोई डाउट दोस्तों, कोई डाउट नहीं। यहाँ क्या हो गया, क्लियर हो गया कि ये किसका क्या हो गया, पिता हो गया किसका, जी का। तब बोल रहा है एफ का पिता जो है जी के माँ के पति का क्या है, दामाद है। क्या है दोस्तों, जी के माँ के पति का ये जो पिता इसका है, ये दामाद है। कौन है, दामाद, इसका दामाद है, इसका, इसका जी के पिता का दामाद है। कौन, एफ का पिता, कहने का ये अर्थ है। बोल रहे जी का पिता एफ से किस प्रकार संबंधित है, जी का पिता जो है एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो किस प्रकार संबंधित होगा दोस्तों, नाना या दादा होगा एफ का। क्या होगा दोस्तों, एफ का जो ये होगा पिता इसका, ये क्या लगेगा इसको, एफ को नाना लगेगा। तो नाना को ब्लड रिलेशन में दादा भी लिखा जाता है, क्वेश्चन में दादा भी रह सकता है आंसर में, या नाना भी रहेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, नाना या दादा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी क्वेश्चन इससे पहले इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी हम रीडिंग लिए हैं दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बिहार स्टेट एग्जाम जो हुआ है उसमें पूछा गया है दोस्तों, और ये VBI क्वेश्चन सब है दोस्तों, जो हम देखे कैसा कैसा क्वेश्चन ले रहा है उसी टाइप का क्वेश्चन लेके आपको बता रहे हैं, और फुल कंसेप्ट के साथ बता रहे हैं दोस्तों। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से जरूर देखिए, और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया है, 6, 14, 24, 36 और 66, 84। यानी व्हाट के स्थान पर क्या आएगा वो फाइंड करना है, यानी व्हाट के स्थान जो है, व्हाट जो छोड़ दिया जाए खाली, उसके स्थान पर क्या आएगा वो फाइंड करना है दोस्तों। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए सीरीज वाला, इसमें क्या होता है, एक रिलेशन से क्या होता है, ये आगे बढ़ते जाता है। क्या होता है, एक रिलेशन से ये सीरीज बन के आगे बढ़ रहा होता है। एक रिलेशन से क्या होता है दोस्तों, एक सीरीज होता है, कोई ना कोई इन दोनों के बीच रिलेशन होता है, इस रिलेशन के माध्यम से ये आगे बढ़ता है, या तो प्लस होता है या फिर माइनस होता है, या नहीं तो गुना भी रह सकता है, या नहीं तो भागा भी हो जाता है, नहीं तो वर्ग भी रहता है दोस्तों। इतना चीज में से किसी कोई भी चीज रहता है, किसी भी प्रकार का इस तरह का सिंबल लेके ये घटाता है या बढ़ाता है, लेकिन सीरीज कोई ना किसी कंडीशन के रूप में ये क्या होता है, आगे बढ़ता है, या किसी न किसी रिलेशन के रूप में ये आगे बढ़ रहा होता है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी देगा तो आपको रिलेशन फाइंड करना होता है, यानी रिलेशन किस रिलेशन के आधार पर यह आगे बढ़ रहा है। तो आप लोग सबसे पहले रिलेशन फाइंड कीजिएगा, ये किस रिलेशन के आगे बढ़ रहा है।
चलिए दोस्तों हम देखते हैं ये किस रिलेशन से आगे बढ़ रहा है। चलिए 6 को क्या लिखा है, 14 लिखा है, यानी प्लस 8 कर दिया, 6 8 14, 14 को 24 लिखा कितना, प्लस 10 अधिक है, 24 को 36 लिखा प्लस 12 अधिक है। तो यहां देखिए दोस्तों 2 का क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, 10 में 2 जोड़ा 12, यानी 8 में 2 जोड़ा 10, 10 में 2 जोड़ा 12, 12 में 2 जोड़ेगा दोस्तों कितना होगा 14, यानी 14 क्या होगा यहाँ पे ऐड होगा। देखिए रिलेशन क्या था इसके बीच, रिलेशन था 8 10 12 14, क्या था 8 के बाद 8 में 2 जोड़ा 10 हुआ, 10 में 2 जोड़ा 12 हुआ, 12 में 2 जोड़ा 14 हुआ, यानी जितना होता है उतना क्या करते जाता है इसमें ऐड करते जाता है, आगे वाले संख्या प्राप्त होते चले जाता है। हम क्या बताए थे, कोई ना कोई रिलेशन होता है इन दोनों संख्या के बीच में, तो रिलेशन सबसे पहले फाइंड करना है, तो रिलेशन फाइंड करने के बाद में खुद पता चल जाएगा कि ये किस स्टेट में आगे बढ़ रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग जरूर से जरूर रिलेशन को चेक कर लें कि ये किस रिलेशन से आगे बढ़ रहा है। चलिए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा आंसर, 36 में 14 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 6 4 10 3 1 4 1 5, यानी 50 क्या होगा, 50, यानी राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा राइट होगा बी में क्या है 50। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन यदि आता है एग्जाम में तो आप लोग जरूर से जरूर बनाइएगा, सबसे पहले इसको देख लीजिएगा किस रूप में वह आगे बढ़ रहा है, क्या रिलेशन है, और जरूर से जरूर उसको कंसेप्ट के साथ हल कीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स दोस्तों। इसी तरह हमारे चैनल पर आप लोग जो भी लेटेस्ट वीडियो आता है जरूर से जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, वीडियो को देखिए दोस्तों, और यदि आप लोग आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कॉमेंट अवश्य कीजिए दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन होकर हमें, आप किसी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, और आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउटफुल क्वेश्चन है तो आप हमें जरूर से जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, हम उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द देंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आपको सभी सरकारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराई जाती है, सभी का प्रैक्टिस सेट दिया जाता है दोस्तों, और किसी तरह का लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आता है तो वो दिया जाता है। इसलिए आप लोगों से दोस्तों कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल जनरल एसटी ग्रुप से जरूर से जरूर जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।